हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड कंट्री के रिलेटेड। और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं 3 अनदर ऑस्ट्रेलिया के विजिटर वीजा और 4 अनदर न्यूजीलैंड के विजिटर वीजा जो कि हमारे यूके, जर्मनी और दुबई से अप्रूवल आई है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अगर आप भी आने वाले टाइम में किसी कंट्री का भी विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपके मैसेज और कह सकते हैं कॉल का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये आप दे सकते हैं 3 अनदर कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की कह सकते हैं जो विजिटर वीजा, और ये जो 4 अनदर कह सकते हैं जो न्यूजीलैंड के विजिटर वीजा हमारे अप्रूव होकर आए हैं। तो अगर आप भी आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। आप करंटली कह सकते हैं न्यूजीलैंड का विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं तो उसके जो वीजे के जो चांसेस हैं किसी भी अनदर कंट्री से, हम बात करें यूके, साइप्रस या किसी भी शंगन कंट्री से या दुबई या सिंगापुर से, वो +90% रिजल्ट आ रहा है आज के टाइम में। तो आफ्टर कह सकते हैं न्यूजीलैंड का वीजा मिलने के बाद जो आपके जो ऑस्ट्रेलिया के जो चांसेस है वो आपके काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं आने वाले टाइम में तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे पहले आप न्यूजीलैंड का विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड का विजिटर वीजा अप्लाई करने के बाद, उसकी अप्रूवल आने के बाद, आप ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीजा अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो वीजा मिलने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखे जो हमारी जो वीजा जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अप्रूव होकर आए हैं, और ये कह सकते हैं विद इन 1 month इन वीजो की जो अप्रूवल आई है। हम बात करें इंडिया से आज के टाइम में जो वीजे की जो अप्रूवल आने का जो टाइम है वो मैक्सिमम कह सकते हैं 40 days है। और अगर आप इन कंट्री से अप्लाई करती हैं किसी भी फॉरेन कंट्री से, यूके से, साइप्रस से या किसी अनदर कंट्री से, यहाँ से आज के टाइम में विद इन 20 days में आपका जो रिजल्ट है वो आ रहा है, भी आपकी जो अप्रूवल आई है या रिफ्यूजल आई है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, भी अगर कई लोगों के मैसेज आते हैं भी अगर हम ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करते हैं इसके जो कितने % चांसेस है। अगर आप किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं, आप छोटी से छोटी कंट्री का भी अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो उसके भी जो चांसेस है वो 100% नहीं होते। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की अगर आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग है तो हमारे मुताबिक हमने जितने वीजे हम अप्लाई कर रहे हैं इन कंट्रीज से तो 10 में से कह सकते हैं 6 वीजे जो ऑस्ट्रेलिया के हमारे अप्रूवल आ रहे हैं। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं जो रिजल्ट है वो 60% है, और 40% कह सकते हैं जो रिफ्यूजल है ऑस्ट्रेलिया की। और अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड का जो आज के टाइम में जो रिजल्ट आ रहा है +90 आ रहा है। अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में तो आप वीजा अप्लाई करते हैं तो +90 रिजल्ट आ रहा है आज के टाइम में। तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है, आप करंटली न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई कीजिए, आफ्टर आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई कीजिए जिससे कि आपके रिफ्यूजल के जो चांसेस है वो कम हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। और अगर आप आने वाले टाइम में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वीजा रिलेटेड या किसी भी कंट्री के रिलेटेड तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ना कि हमारी इंस्टाग्राम की आईडी पर, क्योंकि इंस्टाग्राम की आईडी पर अगर आप हमें मैसेज करते हैं तो हम उनका रिप्लाई आपको नहीं कर सकते। और अगर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं या कॉलिंग करते हैं तो हर एक मैसेज, हर एक कॉल का हम रिप्लाई करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आपको आने वाले टाइम में वर्ल्ड की किसी कंट्री का भी टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना हो, विजिटर वीजा अप्लाई करना हो या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।